हेलो दोस्तों, स्वागत है नॉट पार्ट्स वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम लोग आ गए वीडियो लेकर और बात करने वाले हैं टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेटल स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक जो कि फ्राइडे के सेशन में आप लोग देखे होंगे किस तरह से जिम जिम विस्फोट हुआ था। एक थोड़ा सा तेजी आया है चाइना के खबर के बाद से, हम लोग उसी के बात करने वाले हैं टाटा स्टील का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं टाटा स्टील में हम लोग स्टॉक में किस तरह का ट्रेंड लाइन बनाया है, उस तरह का ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए निफ्टी सॉरी टाटा स्टील ऊपर जा रहा है। जी हाँ देख सकते हैं अपसाइड में भी किस तरह का हम लोग टाटा स्टील का बना है, इस तरह का थोड़ा सा ट्रेंड लाइन जी हाँ सो बन रहा है। देख सकते हैं इस तरह का ट्रेंड लाइन बनकर आ रहा है, तो फिलहाल के लिए इस तरह का मार्केट इस तरह का रेंज में है। जी हाँ, इस तरह का रेंज में और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग एडवांस में थोड़ा सा एंट्री ले रहे हैं और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर, जी हाँ सो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर छोटा सा एसएल के साथ उठा लेंगे। और इसको अगर थोड़ा सा हम लोग डेली डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसको जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 महीना के लिए भी अगर होल्ड करते हैं तो ये अगर चैनल निकाल देता है, जी हाँ ये चैनल निकालता है तो फिलहाल के लिए हम लोगों का टारगेट शॉर्ट टर्म का बन जाएगा 137 का, और लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा लंबा व्यू मीडियम टर्म अगर लेंगे तो 147 के आस से 151 का हाई भी लगा सकता है। जी हाँ 6 से 7 महीना 8 महीना तक का ब्रॉडर व्यू अगर लेकर चले तो। फिलहाल के लिए ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए आप लोग बाय करना चाहते हैं तो छोटा छोटा क्वांटिटी में उठा सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि ब्रेकआउट हो सकता है। जी हाँ सो बहुत नहीं का बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेटल सेक्टर का बूम आया है। थोड़ा सा फ्राइडे के सेशन में आप लोग जाकर देखिए, स्टॉक थोड़ा सा जंप किया है और चाइना के थोड़ा सा खबर वगैरह भी आ रहा है कि स्टील का डिमांड वगैरह बढ़ना है, तो इस तरह कारण से टाटा स्टील स्टॉक को हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के सामने। उसी का बात कर रहे हैं, उसी का चर्चा हो रहा है, उसी में हम लोग पोजीशन कहाँ कहाँ बना सकते हैं। जी हाँ, पहली बात 108 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा अगर 8 से 10 महीना का व्यू आप लोग रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा एसएल लंबा रख सकते हैं, छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए इसी में यहाँ से 118 का टारगेट रखना चाहते हैं तो इसको ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा लंबा रखना चाहते हैं तो इसको पहला बाई कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल करंट मार्केट 107 108 के आसपास थोड़ा सा नीचे मिलता है, जो थोड़ा सा नीचे मिलता है 102 के आसपास थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे मिलता है 195 के आसपास और ऐड कर सकते हैं। इसको हर एक गिरावट पे ऐड करते रहना, उसके बाद मार्केट जब निकालेगा इसका बेहतरीन तरीके से, जब कंस्ट्रक्शन का और चरण सीमा पर होगा उसके बाद मार्केट जब निकालता है तो उसके बाद देख सकते हैं रैली इसमें जब आता है तो किसी का तरह का सुनता नहीं है। फिलहाल पीछे का देख सकते हैं किस तरह से रैली चला था मार्केट में स्टील सेक्टर का, तो देख सकते हैं कोई भी रुकावट नहीं होता है और एक तरफे मार्केट इसको चला देता है। देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में एक तरफे मार्केट में चला है, तो इस तरह का जब मार्केट चलता है, जी इस तरह का जब मार्केट चलता है ना तो किसी का नहीं सुनता। उसी तरह से अभी साइडवेज है, तेजी के बाद एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन में चल रहा है और ज्यादा गिरावट भी नहीं हुआ, तो इस तरह का अगर तेजी निकालेगा ना तो मार्केट ये जो हाई है ना उसको भी नहीं बख्शेगा और इसको भी निकाल कर मार्केट में अगर 1 साल का, जी हाँ एक साल से कम से कम 13 से 14 महीना के लिए रखना चाहते तो इसको 200 टारगेट एग्जैक्ट इंटैक्ट है। जी हाँ 200 टारगेट एग्जैक्ट और इंटैक्ट है टाटा स्टील में, तो आप लोग टाटा स्टील को 200 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल एडवांस एंट्री बना रहे हैं, लॉजिक थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा न्यूज वगैरह का लेकर ये थोड़ा सा निकाल सकता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस एंट्री ले रहे हैं। थोड़ा सा छोटा टारगेट बनाकर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर अगर शॉर्ट टर्म का बात करें तो शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म का तो बिंदास स्टॉक 200 के टारगेट के लिए होल्ड करना ही करना है। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक पे बात करते हैं, जो भी रहता है हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक में डील करते हैं। देख सकते हैं ब्रेकआउट स्टॉक में हम लोग पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन जो रहता है बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को हम लोग ऐड करवाते रहते हैं। और फिलहाल के लिए अभी टेलीग्राम चैनल फ्री है तो इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, तो हम लोग उसमें प्रयास करेंगे कि वीडियो लाने का या उसमें कमेंट में समझाने का। किसी भी तो प्रॉब्लम है कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने चाहे बड़े स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। और शेयर करने का प्रयास कीजिए, तो मेहनत करके लोग वीडियो लाते हैं तो शेयर करिए, शेयर करने का प्रयास करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय।